आमतौर पर आईजीएमसी में एडमिट होने वाले कोरोना मरीजों को सरकार की ओर से दी जाने वाली 54 प्रकार की दवाएं फ्री दी जा रही हैं। यदि ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ जाए और उन्हें महंगे इंजेक्शन देने की आवश्यकता पड़े या फिर एमआरआई या सीटी स्कैन समेत कोई अन्य महंगे टेस्ट करवाने पड़े तो इसका खर्च सरकार नहीं उठाती थी, मगर अब इलाज के साथ साथ किसी भी प्रकार के महंगे टेस्ट या इंजेक्शन के लिए आईजीएमसी प्रशासन कोरोना मरीजों को परेशान नहीं होने देगा। प्रशासन अपने स्तर पर उनके इलाज का खर्च उठाएगा। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने कहा कि अब प्रशासन रोगी कल्याण समिति में ही कोरोना मरीजों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। जो आईजीएमसी शिमला है, प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान है और सबसे पहले आईजीएमसी में और टांडा मेडिकल कॉलेज में जो सुविधा शुरू हुई थी, टेस्ट की सुविधा शुरू हुई थी, फिर इलाज करने की सुविधा शुरू हुई थी और सबसे पहले जो 3 पेशेंट हमारे प्रदेश में आए थे 12 मार्च को, आईजीएमसी में ही वो दाखिल रहे थे हमारे पास 14 दिन के लिए और स्वस्थ होकर वापिस गए। आज की डेट में भी जितने भी सुपर स्पेशलिटीज हैं, जो पेशेंट है कोमोर्बिड डिजीज के साथ है, गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं, वो पूरे प्रदेश भर से जो है वो आईजीएमसी में आ रहे हैं। जहां तक सुविधाओं की बात है तो सरकार ने हमेशा हर संभव जो है सहायता पेशेंट्स को जो है दी है और इनका जो इलाज है सरकार के स्तर पे कोरोना बीमारी का पूरे का पूरा जो है वो फ्री किया जा रहा है। बट हाँ, स्वाभाविक है कि जब हमने इतने मार्च महीने से लगातार काम कर रहे हैं तो कुछ एक समस्याएं भी सामने आई, तो उस समस्याओं को हमने सरकार के समक्ष रखा। अभी हमारी गवर्निंग बॉडी जो थी रोगी कल्याण समिति की, उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे चेयरमैन हैं रोगी कल्याण समिति आईजीएमसी शिमला के, तो उनके समक्ष हमने कुछ एक इश्यूज रखे थे। इश्यूज ये थे कि बेसिकली जो हमारे पास गंभीर स्थिति में पेशेंट्स जिनको मॉडरेट टू सीवियर क्रोधी हैं, पर ये जो थोड़ा सा जो मानसिक जो स्तर है इन पेशेंट्स का, कहीं ना कहीं अभी समाज की जो भागीदारी है वो कम होने की वजह से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपने आप को थोड़ा सा अलग सा फील कर रहे हैं। पर सरकार की तरफ से संभवतः जैसे ही हमने मामला रखा था, क्योंकि अन्य बीमारियों की ट्रीटमेंट भी जरूरी है, तो ऐसे पेशेंट्स के पास ना पैसा है, ना अटेंडेंट है, ना कुछ है, बिकॉज वो एकदम से पता चलता है मैं तो पॉजिटिव हो गया, वो बेचारा उठ के यहाँ पहुंच जाता है। तो सरकार ने तुरंत प्रभाव से माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने हमारी रोगी कल्याण समिति से जो है वो अप्रूवल दे दी कि इन पेशेंट्स का जो भी खर्चा होगा कोरोना के अलावा, वो रोगी कल्याण समिति आईजीएमसी शिमला जो है वो उसका खर्चा वहन करेगी। और मेरे ख्याल से जो एक रोगी कल्याण समिति का सबसे प्राइमरी फंक्शन, बेसिक फंक्शन है, वो रोगियों का कल्याण ही है, और इससे अच्छा जो रोगी कल्याण है सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि इन सभी पेशेंट्स का जो खर्चा है वो सारे का सारा खर्चा जो है रोगी कल्याण समिति आईजीएमसी प्रशासन जो है वो आईजीएमसी का प्रशासन करेगा, रोगी कल्याण समिति जो है उस खर्चे का वहन करेगी। इसके अलावा सर, इंजेक्शन भी है जो सिर्फ सीरियस पेशेंट को दिया जाता है, वो भी फ्री दिया जाएगा क्या है सर? हाँ, दो तरह के इंजेक्शन हैं, एक रेमडेसिविर नाम से आता है और उसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 3000 के आसपास है। एक टोसिलिजुमैब है, वो मतलब जब पेशेंट बहुत सीवियरली सिक होता है तो उन कंडीशन में लगाया जाता है, वो तकरीबन 30000 का इंजेक्शन है। तो ये हमने पहले ही आपसे बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने रोगी कल्याण समिति की मीटिंग में, चाहे वो इंजेक्शन 30000 का है, 40000 का है, 50 का है, जितना भी खर्चा होगा वो सरकार जो है रोगी कल्याण समिति के माध्यम से वहन करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।